की सनसनीखेज खबर। शहर का ये मकान, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग 55 साल पुराने इस मकान में आज एक इस वक्त इस घर में जो भी घट रहा है हम देख रहे हैं, सब देख सकते हैं। इतने सालों में इस इलाके में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इस मकान में आज एक खून किया गया है एक बच्ची का। इस समय हमारी जो मानसिक हालत है समझ ही सकती है, लेकिन इस मकान को लेकर काफी दिनों से कुछ तो गड़बड़ हो रही है ऐसा लगता था। और एक बात है कि उसकी बहन जो वो भी, और अब आप सब देख सकते हैं कि अजीत जो इस घर के बेटे हैं वो घर में आ गए हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी माँ से मिलने के लिए। हाँ? और हम उनसे पूछेंगे कि इस बारे में माँ क्या हुआ। तनु 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 जिंदा नहीं है। तनु हमें छोड़कर चली गई। ए तनु, ये साले चुतियापा करेंगे और हमारे पिछवाड़े की लग जाएगी, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये साला तो किसी भी काम का नहीं। ये सब तुम्हारी बेवकूफी के चलते है। अब जो पार्टी है वो तुम्हें बांस देगी, बड़ा सा बांस, बिना छिला हुआ बांस। साले एमएलए, तुम्हारी अकल खोपड़ी में या घुटने में? अरे भैया, मैंने इस ऑफिसर को सिर्फ धमकाने को कहा था और कुछ नहीं। नाम तो करुणा सिंह है, पर करुणा नहीं, कहर दिखलाओ, कहर। समझ गए ना? सर अगर लफड़ा हुआ तो समझ रहे ना, मैं स्पॉट पे नहीं रह सकता। अरे तुम अपना कहर भर पाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो, वरना वो जो अमेरिका वाले चचा है ना, उनके कहर से हम नहीं बचेंगे, समझे? ससुरा आया तो अमेरिका से, पर देसी बवाल का फुल मास्टर है यहाँ। अब जो करना है जल्दी करो, मारो पीटो जो करना है करो, मुझे दस्तखत चाहिए बस। अरे भैया भैया भैया, अरे ये साला चुतिया। जबान संभाल के दत्ता बाबू, जबान संभाल के, मुझे आंखें मत दिखाइए। ये आपकी पार्टी ऑफिस नहीं है, यहाँ सब रिकॉर्डेड है, इंच बाय इंच, फुट बाय फुट, लोडेड इन माय हार्ड डिस्क। मारने का ऑर्डर आप ही ने दिया था। अगर खींचतान नहीं होती, अगर वो लड़की मुझे नहीं काटती तो मैं उसे क्यों मारता? मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहता था। सांप से दुश्मनी अच्छी नहीं, जहर पचा लोगे ना। क्या होगा, मंगल ही मंगल, ट्रांसफर होगा, जेल होगी ना, जो भी होगा आपके साथ खुशी खुशी बांट लेंगे, 50-50। और अगर फांसी हुई तो एक ही रस्सी में दोनों भाई लटक जाएंगे। आप तो बहुत दयालु हैं, लोग कहेंगे आज दया की सागर सूख गई। प्लान कीजिए दत्ता बाबू, आपसी लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। प्लान कीजिए, जरा सोचिए, वो औरत, क्या नाम है उसका, वीना, अगर उसने सब कुछ उगल दिया ना, उसके पैसे तो आपने अभी तक दिए नहीं होंगे। अरे मैम सुनो, अब उस वीना को तुम यही कोई 20,000 रुपए दे दो। देखो ये आपस की लड़ाई से कोई फायदा नहीं, इसलिए चलो दिमाग लगाते हैं। चलो क्यों, अब आई ना गाड़ी पटरी पर। अरे अजीत बेटा तू आ गया, सुन डॉक्टर साहब अंदर हैं। अजीत, वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव, ये डॉक्टर साहब आ गए। अभी कैसी है? बोलने के लायक अभी हमारे पास कुछ है नहीं, फिलहाल टिश्यू रैप्चर और एक्सटर्नल वुंड्स को हम कंट्रोल कर पाए हैं। वी आर ऑल वेटिंग फॉर द स्कैन रिपोर्ट एक्चुअली, बट थैंक गॉड इंटरनल हैमरेज अभी तक नहीं हुआ है। एक बार देख सकता हूँ क्या उन्हें डॉक्टर? नॉट नाउ प्लीज। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज एक बार। अजीत कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।
बिना वासी। वो डकैत कैसे दिखते थे कहिए? लंबे, नाटे, हम बदन पर तेल थी उनकी, या फिर बड़ा सा मोटा सा मूंछ था उनका? एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में खंजर। नहीं, ऐसा तो पुरानी फिल्मों में होता था। अच्छा, अगर हाथ में खंजर ना हो के एक बड़ी सी तलवार होती तो फिर जाके बात में थोड़ा वजन आता है कि नहीं? देखिए बिना मौसी, डकैत उस घर में घुसे थे, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। इन लोगों ने जबरदस्ती अलमारी खोली, जब कुछ ना मिला तो माया देवी को धमकाने लगे। माया देवी और उनकी बेटी डर के मारे चिल्लाने लगी और भगदड़ मच गई और आप भी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तनु भी चिल्ला रही थी, लेकिन वो तो हर दिन ऐसे चिल्लाती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद ब्लैंक। आपको और कुछ नहीं पता, और फिर रोती हुई आप बाहर गई और एक बाइक से टक्कर, पुलिस आई और माया देवी आपके लिए बच गई। चुट, ऐसे कोई डरता है क्या? अरे बिना मौसी, आप हिम्मत वाली हैं। आपकी हिम्मत की चर्चा हर जगह होगी और आपकी वजह से ही तो सारे लोग बचे हैं। लेकिन आप ऐसे घबराएंगी तो पुलिस, सारे लोग हमारे पीछे, अच्छा नहीं लगता ना? बिना मौसी, अपनी हिम्मत दिखाइए ना, हमें भी दिखाइए। बीस हजार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैं अपने बातों से मुकरता नहीं, और बाकी के 30,000 बहुत जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन अगर होशियारी दिखाई, जान से हाथ धोना पड़ेगा। राम नाम सत्य है और बिना मासी का ये कर्तव्य है। राम नाम सत्य है, अभी बचाना बिना मासी का कर्तव्य है। पुलिस के हाथ आई इस शहर के 12 साल के नाबालिग लड़की तनुश्री राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अभी चलते हैं हम हमारे कॉरेस्पोंडेंट के पास आगे की रिपोर्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आप हमें बताइए कि अभी पुलिस और प्रशासन का क्या कहना है।